बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहम्मद सरफराज गुमन, एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो तकरीबन 15 दिन के ट्रिप के बाद बिल आखिर आज वो दिन आ गया कि हम लोग नहीं, मैं अकेला ही, मेरे साथ जो सामान है उसके साथ मैं जा रहा हूं वापसी कराची। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग गुजरात रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। बाकी ये व्लॉग पूरा आएगा गुजरात से कराची का, पर जो मेन जो हमारा व्लॉग जो है ये मैंने सोचा कि वो स्टार्ट करेंगे यहाँ तो फैसलाबाद से, यहाँ सादकाबाद से आगे, क्योंकि यहाँ से पिछले मैंने अपने व्लॉग में भी बताया जब मैं कराची से गुजरात आया था कि लोकल पैसेंजर इतना हो जाता है कि आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। सीट तो चलो आपने छोड़ दी किसी सहारे पर, सामान की भी सिक्योरिटी होती है कि वो खुद बंदा उसके पास बैठे, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है वो सारा लोकल होगा पैसेंजर, जैसे ही फैसलाबाद में आ गए हमारे साथ मज़ीद कोचिस लगेंगी, उसके बाद जो है थोड़ी सा वो रश कम होगा, उसके बाद जो है बाकायदा कंटिन्यू मेरा व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। और गुजरात जो रेलवे स्टेशन में उसमें भी यही होता है कि ट्रेन का जो होता है तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप होता है, और वो 2 मिनट में भी हड़बड़ी इतनी होती है कि बंदे को यही होता है यार मैं और मेरा सामान गाड़ी के अंदर पहुँच जाए, तो उस वक्त वीडियो कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। तो फिर इंशाल्लाह अभी आपसे मिलेंगे जैसे ही ट्रेन में बैठ जाएँ वक्त, यहाँ जैसे ही और मेरे को मौका मिला जहाँ कैमरा ऑन करने का यहाँ अपनी सीट के ऊपर बैठ के, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं इधर गुजरात रेलवे स्टेशन के एंड के ऊपर, जहाँ ये गुजरात का जो है वो साइन बोर्ड लगा हुआ है। पिछली बार तो भाई साहब गुजरात रेलवे स्टेशन के ये जो बोर्ड है और ये जो रेलवे स्टेशन है इसको मैंने कैप्चर नहीं किया, जिसमें मैंने अपनी वजह बताई कि मैं क्यों इसको कैप्चर नहीं कर सका। पर आज जो है वो मैं और मेरा कज़न बहुत जल्दी आ चुके हैं, तकरीबन 9:15 का ट्रेन का टाइम है और हम लोग 8:15 पे ही स्टेशन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो मेरे को आज मौका मिला वो गुजरात रेलवे स्टेशन पूरा मैंने विज़िट किया, वहाँ से स्टेशन जो मेन बिल्डिंग है वहाँ से इंटर होने के बाद मैं इधर बोर्ड के पास आ चुका हूँ। बाकी इसी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह आपको ट्रेन में, यहाँ जो नेक्स्ट स्टेशन होगा उस पर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।
अभी भाई साहब हमारी ट्रेन जो है वो फैसलाबाद पहुंच चुकी है और आज जो है मेरी वो है कोच नंबर 15 और जो सीट नंबर है वो है 76। बाकी ये एक और मेरे साथ भाई थे, यहाँ से अभी फ्रूट ये जो है चना चाट ये इन्जॉय किए। हमें मिर्ची लग रही है, अभी जाते हैं अपनी कोच में, वहाँ पानी पड़ा हुआ पानी पीते हैं। ओवरटैक्सिंग से भाई साहब निकलने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो अभी शोरकोट के ऊपर आगे खड़ी हो चुकी है, शोरकोट छावनी जंक्शन के ऊपर। पर वीडियोस तो बहुत आएंगी पीछे जिसमें हो सकता है मैं वॉइस ओवर भी कर दूं, पर जो रास्ते में आज मेरे साथ हुई है वो है बहुत ज़्यादा चिक चिक हुई है, जिसमें लोकल सवारी बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा एक जो है वो सीट का इशू आया, जिसमें मेरा कोई इशू नहीं था, उसमें इशू आया है, जिसमें भाई साहब जो इशू है वो आया है वो गुजरात रेलवे स्टेशन उनकी तरफ से आया है। रिजर्वेशन ऑफिस में गया, उनको मैंने यही बोला कि भाई मेरे को गुजरात से कराची की जो है वो सीट चाहिए, टिकट चाहिए। पर उन्होंने बोला पहले तो कोई बर्थ वगैरह नहीं थी, पर मेरे को फिर यही सिंगल सीट लेनी पड़ी और इसके बाकी जो भी तेज काम थी उसमें भी यही हिसाब था। इसके बाद जो भाई साहब हैं जो बैठे होते हैं जो टिकट और रिजर्वेशन ऑफिस में, उन्होंने मेरे को जी पाकिस्तान की वही सीट दी, पर उसमें क्या हुआ कि टिकट के ऊपर जो इशू आया वो प्रिंट आउट का आया, कि प्रिंट जो है वो 70 की जगह 10 प्रिंट हुआ, इस तरह ही 10 लग रहा था, पर असल उन्होंने प्रिंट किया था 70। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही फिर उसको 70 को 76 कर दिया। तो वो जब मैं यहाँ पे गुजरात रेलवे स्टेशन पे बैठा तो वहाँ से तो मेरा बिल्कुल सही में अपने हिसाब से बैठा कि उन्होंने 76 लिखा हुआ और कोच नंबर 15, पर इशू जो था वो बन गया क्योंकि कोई और जो थे उनके ऊपर उनकी सीट जो थी वो 76 नंबर से हुई हुई थी। तो वहाँ से इशू बना, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो है वो सही है, वो अपनी तरफ से लगे हुए कि वो सही है। तो इस वजह से थोड़ी अनबन भी हुई, जिसकी वजह से व्लॉग जो है थोड़ा कट कट के बन रहा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं अपनी सीढ़ी पे ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि फिर मैंने गार्ड साहब से रब्ता किया तो गार्ड साहब ने मुझे सही से रहनुमाई की कि भाई ये प्रिंट आउट का इशू हुआ है। तो इसलिए पहले मैं यही समझा था कि मेरी जो सीट है वो 76 ए पर जो प्रिंट आउट की वजह से ये इशू आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं अपनी सीट 70 नंबर पे पहुंच चुका हूँ और अभी ये बकायदा ब्लॉगिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया। भाई साहब शोर कोर्ट से निकलने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है भाई साहब अब्दुल हकीम, और टाइमिंग के हिसाब से बताया जाए तो हमारी जो ट्रेन है वो तकरीबन एक घंटा जो है वो लेट हो चुकी है गुजरात से निकलने के बाद। हालाँकि गुजरात जो है इसका 4 मिनट पहले जो है वो अराइवल हुआ, जिसकी वजह से ये वहाँ खड़ी रही, और आज जो है हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया जो अपना जो सामान वगैरह रखने का। बाकी जो टूर था मेरा वो 15 दिन का था, बाकी जो ब्लॉग्स वगैरह थे वो बने हुए पर एडिट वगैरह नहीं हुए हुए, तो अभी इंशाल्लाह इनको जाके कराची एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे। बाकी अभी जो है वो यही पंजाब जो कराची रहते हैं उनका अगर पंजाब से अगर वापसी जाएँ तो उनका यही होता है कि भाई साहब ये ग्रीनरी ग्रीन एरिया ये देख देख के दिल जो है वो मनहम हो जाता है कि यार ये ग्रीनरी ये ब्यूटी वो दोबारा से छोड़ के जा रहे हैं। और इस ब्यूटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने दिन है वो इन्जॉय किया, शादी भी इन्जॉय की और जो है ब्लॉग वगैरह भी बनाए। टाइम कम होने की वजह से ब्लॉग जो हैं वो कम बने और थोड़ा डेटा इशू भी था। जो हाँ हम लोगों की रहाइश है गुजरात में वहाँ जो है गाँव का नेटवर्क जो है उसके सिग्नल्स वगैरह बिल्कुल नहीं थे। अब हमारी ट्रेन जैसे ही निकली उसके बाद हमारी ट्रेन ने जो है काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ ली है, और उसके बाद अभी जो हमारी ट्रेन है वो लास्ट अभी खानेवाल से निकली है, और अभी भी मैं गेट पे आया हूँ पर मेरे को गेट पे खड़े होने की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही, देख सकते हैं ये आप लोग। और इसके अलावा जो है अभी जो मैंने डिले टाइम आपको बताया था कि पहले हमारी जो ट्रेन है वो 1 घंटा जो है वो डिले हो चुकी थी, और उसके बाद अभी जो है स्पीड हमारी ट्रेन ने काफ़ी अच्छी कवर की है और उसकी वजह से टाइम भी कवर हुआ है, और तकरीबन जो अभी हमारी ट्रेन है वो 26 मिनट जो है वो डिले है।
उम्मीद है कि ये जो ड्राइवर साहब हैं वो इस टाइम को भी इंशाल्लाह जल्द कवर करेंगे। ये ब्यूटी, ये नज़ारे ख़त्म होने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि जैसे जैसे ही शाम पड़ती जाएगी और उसके बाद फिर जैसे ही रात हो जाएगी, क्योंकि रात में इसका टाइम है कि ये सात का बाद क्रॉस करेगी। बस असल अभी जो है ब्लॉगिंग का मज़ा आना जो है वो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले तो वही खिचखिच और वही खपत थी लोकल सवारी की, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी कम हो चुकी है। मज़ीद ये कि सुबह जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। साहब मुल्तान रेलवे स्टेशन और मुल्तान छावनी हमारी जो है वो ट्रेन पहुंच चुकी, और यहां से अभी जो तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट के स्टॉप के बाद जो है अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है। और इस 20-25 मिनट के दौरान आपके भाई ने जो है अपना वो खाना शरीफ जो है वो नोश फरमाया है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट स्टेशन देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा भाई साहब कौन से देखूंगा, फिर आपको अपडेट दूंगा। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अभी जो है अभी जाके जो मुल्तान या उससे पहले जो खाने वाला है उसके बाद जाके आपके भाई का जो है मूड थोड़ा फ्रेश हुआ है, तो उसके बाद ऐसी फनी फनी बातें मुँह पर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। वरना उससे पहले जो है गुजरात से लेकर खाने वाले तक आपके भाई का मूड फ्रेश नहीं था, और यही जो लोकल सवारी की वजह से और जो किचकिच होती है उसकी वजह। इंशाल्लाह अभी बैटरी को देखते हुए देखेंगे कि जहां हमारे पास स्टेशन आया या जो मेन स्टेशन आए उनको इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। ये मुल्तान छावनी की बिल्डिंग,
सुल्तान के बाद भाई साहब अभी हमारी ट्रेन जो है वो बहावलपुर पहुंच चुकी है। बिरयानी खाना चाय वाले भाई, ताज़ा चाय पीने बोले तो चाय, गरम गरम चाय, ताज़ा चाय भाई, चाय वाला चाय गरम गरम चाय। तो भाई साहब मुल्तान से निकलने के बाद बहावलपुर अभी अभी हमारी ट्रेन पहुंची और 5 मिनट के स्टॉप के बाद अपने टाइम पे जो है वो चल पड़ी है। और जो हमारी ट्रेन है उसने अपना जो 26 मिनट डिले मैंने बताया था उसने वो भी कवर कर लिया है। अभी मौसम जो है वो ठंड वाला है तो इसकी वजह से आपके भाई की भी बार बार जो है वो आग लग रही है, बार बार जीले खा रहे हैं। पर जो है ब्लॉग भी कंटिन्यू करना है और अपने सामान की भी सेफ्टी करनी है तो इसलिए जागना पड़ता है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट स्टेशन पे। इस वक्त भाई साहब हम लोग खानपुर के करीब करीब हैं और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके नज़ारे हो रहे हैं, उनकी लाइटिंग्स वगैरह देख रहे हैं। और मेरे साथ जो ये एक भाई है ना, ये बार बार विंडो ओपन करवा रहे हैं और पंजाबी वैसे मैंने बार बार कही जा रहे हैं कि भाई किसी को पटना खा ली ऐसे चंगा है तो खिड़की बंद रहने दे। थोड़ा और पीछे हो जाना ना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब हमारी जो ट्रेन है वो 12:20 हैं उस पर ये रोड़ी पहुंच चुकी है और तकरीबन इसको यहाँ स्टे किए हुए 10-15 हो चुके हैं। और जो अभी हमारी ट्रेन है वो एक विसल कर दिया है तो अभी दूसरे विसल का इंतज़ार है कि जैसे ही दूसरा विसल होगा उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी। अभी गेट की तरफ दूसरे साइड इस तरह लिए नहीं जा रहा कि क्योंकि अभी जो साउंड हुआ है उसकी वजह से जो पब्लिक नीचे उतरी है वो अभी दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगी ऊपर, तो उसकी वजह से गेट में खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब हमारी ट्रेन जो है वो 20 मिनट के डिले के बाद बोल सकते हैं आप कि रोड़ी पहुंच चुकी है। और रोड़ी पहुंचने के बाद अब जो इसने अपना स्टे करना था जो 25 मिनट्स का वो भी हो गया और अभी तक जो है आपका भाई वो जाग रहा है।
और अभी रिफ्रेशमेंट भी हुई है, चाय वगैरह भी पी। वो बनाता मैं इसलिए वीडियो नहीं हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगता खाते पीते, और जब सामने आपके लेडीज़ हो तो फिर कैमरा ऑन करने में थोड़ी हिचकिचाहट मुझे महसूस होती है। तो इसलिए आपका भाई इस तरह की वीडियोस कैप्चर नहीं करता। पता लगे मेरे सब्सक्राइबर्स को जोर दे कि ये खाता पीता कुछ नहीं हो और हमारे को यूँ ही बताता हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह खाता पीता हूँ भाई साहब। तो तकरीबन हमारी जो ट्रेन है इस वक्त 20 मिनट ले चल रही अपने टाइम से। अब देखते हैं कि ये हमारे को कराची जो है ऑन टाइम पहुंचाती है या नहीं। उम्मीद तो है कि ये अभी जो है स्पीड पकड़े और जो है अपना ये जो 20 मिनट का डिले है इसको भी बेहतर करे, इसको भी कवर करे। हैदराबाद जो है वो हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और जो मेरी आज रात गुजरी है वो सोने में गुजरी, क्योंकि ठंडी रात है तो उठने का भी दिल नहीं कर रहा और गेट सारे बंद हैं तो गेट पर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी अभी फ्रेश हुए और अभी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं हमारी गाड़ी हैदराबाद आ गई होगी, और सुबह सुबह भी जो है वो भाई के हाथ की फ्रेश फ्रेश चाय जो है इंजॉय करने वाले हैं अभी हम लोग।
हैदराबाद से निकलने के बाद अभी कोटरी को भी पास छूट के रहे हैं, और इसके बाद अभी जो है हमारी ट्रेन जो है आगे रवा दवा है। बाकी स्पीड जो है इसकी अभी काफ़ी स्लो हो चुकी है, और जो अभी हमारी ट्रेन है वो भी तकरीबन एक घंटा जो है वो लेट हो चुकी है। मज़ीद ये है कि अभी ये हमारे को कराची का जो टाइम है वो 10 बजे का दे रही है। अगर ये जिस तरह अच्छी रफ्तार के साथ रात को थी, जिसमें ये 20 मिनट तकरीबन ले थी, अगर इसी तरह होती तो अभी हम तकरीबन जो हमारा जो कराची का टाइम है 8:50 का, अगर 20 मिनट का रखा जाए तो 9:20 या 9:10 तक इसने हमारे को पहुंचा देना था, पर अभी जो है ये तकरीबन घंटा लेट हो चुकी है। पर देखते हैं क्या होता है। और इधर जो है माशाल्लाह से बेहतरीन सनराइज़ हो रहा है, और जो असल व्लॉगिंग का भी मज़ा आने वाला है वो यहीं से, क्योंकि कल का जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंजाब से लोकल सवारी जितनी चढ़ी उन्होंने इतना तंग किया कि बंदा अपनी सीट से भी उठने के काबिल नहीं। सीट से हल्का सा उठो आपकी सीट के ऊपर आकर कोई ना कोई बैठ जाता है। और फिर ऐसा रात को बाद अभी जो दिन हुआ है उसके बाद जो है हमारे सिंध के भी माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़ारे होना स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे बैठ के ज़बरदस्त इंजॉयमेंट चल रही है। एक ये मेरे साथ मेरा दोस्त जो कि वज़ीराबाद के हैं, इनके साथ काफ़ी अच्छी हो गई है बातचीत। तो अभी ये वो वाला हिसाब है कि जिस तरह मेरे कज़न वलीद के साथ मेरी आज हिसाब किताब था, और ब्लॉग में आपने देखा होगा वलीद के साथ मेरे को, इसी तरीके से इसके ये जो मेरे दोस्त हैं इनके साथ भी यही सेटिंग बन गई है। बोलारी से आगे निकलने के बाद जो है हमारी ट्रेन ने वो एक अच्छी स्पीड गेन कर ली है, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो ट्रेन के नीचे से जो सन की सूरज की वजह से जो ये शेड बन रहा है ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। पंजाब में जो हरियाली होती है उसका तो अपना ही मज़ा होता है, पर जो ये सिंध में साफ़ सुथरा एरिया, वाइट वाइट क्लीन और दूर दूर तक नज़र आने वाली जो होती है चीज़ें, ये भी अपना ही मज़ा देती हैं। और छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो बनी हुई होती हैं, मिट्टी के टीले वगैरह बने होते हैं, ये भी अपना एक मज़ा दे रही होती हैं। बाकी मुझे सबसे प्यारा अभी यहाँ पे ये शेड ही लग रहा है, जो कि ये सूरज की वजह से बन रहा है। और अभी हमारी ट्रेन जो है एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए, हो सकता है कि मैं भी ये जो ड्राइवर साहब हैं वो जो ये हमारी जो ट्रेन एक घंटा डिले हुई है उसको उस टाइम को कवर करें और हमें अपने टाइम पे हमारी मंजिल पे पहुंचा दें। ज़बरदस्त, बहुत ही आला स्पीड। अभी मेरा मोबाइल भी हवा की वजह से पीछे पीछे हो रहा है बार बार, और दिल जुल है।
से क्रॉस करते हुए अब हमारी ट्रेन जो है और कराची के करीब होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से दुख भी है कि वो जो पंजाब वाली फीलिंग्स हैं वो अभी यही आती है कि यार याद आ रही होती है। और जब अगर आप वापसी अपने घर पर जा रहे हो तो यही होता है यार जल्द से जल्द घर पहुँचें, जल्द से जल्द घर पहुँचें। जब पंजाब जा रहे होते हैं तो यही होता है यार थोड़ा और लेट हो जाए, थोड़ा और लेट हो। इसमें ये है कि हरियाली और ट्रेन का सफ़र इंजॉय करते हुए, लेकिन जब आप घर वापसी जा रहे होते हैं बस जल्दी पहुँचा दे भाई ट्रेन वाले। मेरे ख्याल से ये हमारी जो ट्रेन है अभी बिन कासिम के करीब पहुंच चुकी है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, हालांकि अभी जो मेरा डेटा है वो उसका इशू आ रहा है जो है वो बिन कासिम के पास अप्रोचिंग कर लिया है, पर हमारी जो कोच है वो काफ़ी दूर हो चुकी है जिसकी वजह से हम बहुत दूर हैं। जो बिन कासिम का जो साइन बोर्ड है उससे हमारी कोच बहुत दूर है। अब देखते हैं कि ट्रेन आगे चलती है तो फिर उसको कवर कर लेंगे। भाई साहब कराची आने के बाद सही से आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। कासिम जो है हमारी को ट्रेन जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अब बस कुछ ही लम्हों में लांडी के बाद वही अपना ट्रिक रोड और ट्रिक रोड के बाद जो है हमारा सफर इंतजाम हो जाएगा कराची में। पर बहुत अफसोस हो रहा है भाई साहब, पंजाब की यादें आ रही है, पंजाब से मैं आ रहा हूँ वहाँ की हरकतें सारी जॉब जॉब करके आए वो याद आ रही है। अरे अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल मोनेटाइज हो आपकी भाई को, तो फिर अपने के साड़ों में पंजाब का जो टूर है जल्द से जल्द लग सके। बिन कासिम के पास भाई साहब ये इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पे जो सुजुकी कंपनी है उसमें भी आपके भाई ने तकरीबन 15 दिन काम किया और इसी वजह से छोड़ा कि ये जो बहुत दूर थी और सफ़र जो था वो मार देता था। हालांकि हाईएस्ट थी जो कंपनी की तरफ से पिक एंड ड्रॉप थी, पर सुबह का जो इशू नहीं था, पर रात जब वापसी जाते हुए छुट्टी टाइम पे इशू ये बनता था कि ओ भाई इतना सफ़र और ट्रैफिक में जाम हो गए तो समझ लें 1.5 घंटे का सफ़र जो है वो 2.5-3 घंटे में चला जाता था। इसलिए आपके भाई ने जो है सुजुकी कंपनी को स्किप किया और ये फिर वो हमारा जो कारोबार है पिक एंड ड्रॉप उस पर आए और ये व्लॉगिंग भी आपके भाई ने स्टार्ट कर दी थी। स्लोली स्पीड में चलते चलते हमारी जो ट्रेन है वो शाहराह फैसल के पास से गुजरते हुए
जैसे ही हैदराबाद क्रॉस किया उसके बाद से हमारी ट्रेन ने थोड़ी स्पीड पकड़ी, पर उसके बाद जो है स्पीड इतनी मदम हुई कि अभी तक जो है हम लोग कराची पहुँचे नहीं। पी ए एफ म्यूज़ियम भाई साहब,